अब मैं जो आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ वो डार्क पीच कलर पे है, ये देखो, ये इसकी भी विड्थ 44 है। आपको जैसे इमेज दिख रही है ना वो उससे डार्क ही होगी, लाइट नहीं होगी। और इसमें पूरे में आपको स्टोन वर्क, ये देखो आप, स्टोन वर्क, ठीक है, और ये मोती वर्क मिलेगी। और आप इसकी ना एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर फुल स्लीव्स ब्लाउज बना सकते हो। आपके ओके कोई भी प्लेन साड़ी है आप उसके साथ इसको इजीली कंबाइन कर सकते हो, और मुझे लगता है इसकी सबसे अच्छी ब्लाउज लगेगी। और जब अगर कोई सूट पहनना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। नीचे आपको सेम कलर में आपको प्लाजो बनानी है या फिर आप थोड़ी स्ट्रेट पैंट भी बनवा सकते हो, तो उसके साथ भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो इसकी जो डिजाइनिंग एक्चुअली इस तरीके से है, इसको मैं डबल लेयर कर देती हूँ। तो अगर कोई भी जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है वो चाहें तो वो इस तरीके की पैटर्न ले सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेट वाली लुक आती है, आप ये देखो, और ये यहाँ से आपको दिखेगी। तो ये हो गई इस पर्टिकुलर फैब्रिक की बात, जो यहाँ से आपको इसकी एग्जैक्ट कलर दिख रही होगी, थोड़ी सी डार्क शेड पे है, डार्क ऑरेंज और पीच मिक्स है, और पूरे में आपको थ्रेड वर्क, स्टोन वर्क और मोती वर्क है, ठीक है। तो ये हो गई इस फैब्रिक की बात। अब मैं आपको, अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसके सेकेंड पार्ट कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता ये सेकेंड पार्ट अभी होगी या बाद में होगी। एक और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, पीच विथ सिक्वेंस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है जिसमें सिक्वेंस है, और ये जो बॉर्डर साइड है, जो लोअर पोर्शन में बॉर्डर साइड है, वहाँ पे इस तरीके से पूरी कम मतलब बनी हुई है। ये देखो आप, ये आप नीचे, हाँ ये नीचे बनी हुई है ऐसे बॉर्डर टाइप की, ऊपर कुछ इस तरीके से सिक्वेंस है। और आप चाहो ना तो आप इसको 3 मीटर, 3.5 मीटर में बहुत ही खूबसूरत एक स्कर्ट बना सकते हो। और मतलब गोल्डन, अगर साटन की शर्ट है लाइट गोल्डन, तो उसके साथ भी आप इसको कंबाइन कर सकते हो। तो मुझे ये उस पर्पज से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और ये थोड़ी शाइनी भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं होने हैं। सिंपल से सेंटून की लाइनिंग लगानी, आप चाहो तो कैन कैन ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। और आपके पास घर में अगर कोई भी साटन की फैब्रिक है गोल्डन में, तो आप उसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो, आपकी एक ड्रेस तैयार हो जाएगी। ये हो गई इस फैब्रिक की बात, आप इसकी शाइनी देख सकते हो, और चाहो तो आप ब्लाउज भी बना सकते हो, ऑब्वियस सी बात है इस टाइप की ब्लाउज बहुत चलती है। तो ये हो गई इस पीच की बात। अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो मतलब आप थ्रेड वर्क कर लो, चिकन वकारी वर्क कर लो, मशीन वर्क कर लो, बहुत सारे मतलब इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो कुछ इस तरीके से है। आप देखो, आपको हर जगह पे शाइन दिख रही होगी, ठीक है। इसमें हर जगह छोटे छोटे सिक्वेंस लगे हैं जो आपको शाइनी ऐसे ऐसे दिख रही होगी, मैं पूरे खोल के तो दिखाऊंगी। और इसमें आपको रेड, तो अगर आप इसकी स्कर्ट बनाते हो ना, स्कर्ट के लिए मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ, देखो आपको नीचे इसकी बेस बनी हुई है, सिर्फ आपको यहाँ से कट करनी है, बेस बनी हुई है, और ऊपर देखो, ऊपर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके की स्कर्ट आप अभी मतलब बहुत देख रहे होगे मार्केट में, देखो। तो ये स्कर्ट भी बना सक स्कर्ट बनाओगे तो सबसे अच्छी लगेगी। और प्लेन रेड ब्लाउज आपको रखनी है इसके साथ, और हाफ हाफ कलर कर लो, लाइक हाफ पीच हाफ रेड में आपको पल्लू डाई करवानी है, मतलब आई मीन दुपट्टा डाई करवानी है। एक सिंपल सा प्यारा सा सिक्वेंस बॉर्डर, या फिर गोटा वाला बॉर्डर जो अभी ट्राइंगल वाली चलती है, 180 150, बहुत अलग अलग डिफरेंस रेट है, तो वो आप इसमें इजिली लगा सकते हो, और एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा तैयार हो जाएगी इस पीच कलर में। और आप चाहो तो आपके आपकी कोई फंक्शन भी है, संगीत वगैरह, तो आप उसमें भी थोड़े हैवी बॉर्डर के साथ आप इसको पहन सकते हो। तो ये देखो, अब मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ कि ये पर्टिकुलर कैसी है। तो ये नीचे आपको इस तरीके से वर्क दिखेगी, आप देख लो, ठीक है। ऊपर अपन जाएंगे तो ये स्ट्रेट ऐसे लाइन होती चली जाएगी। और जिनको हैवी साड़ी, जैसे जिनको किसी को चिकनकारी साड़ी बहुत पसंद आती है, तो आप इस तरीके की फैब्रिक हो, क्योंकि ओरिजिनल चिकनकारी आप लेने जाओगे तो बहुत कॉस्टली चली जाती है, अगर वो भी इतनी ज़्यादा वर्क हो तो मशीन वर्क में आपको ये सस्ती पड़ जाती है। तो देखो, ये आपकी ऊपर की पोर्शन है, ये आपकी लोअर पोर्शन है, तो आप इस तरीके की फैब्रिक से आप सूट भी बनवा सकते हो। देखो, आपको लाइनिंग लगानी है सेंटून की या कॉटन की, और आप साड़ी बना सकते हो, आप स्कर्ट बना सकते हो, अगर आप चाहो तो चुन्नट वाली स्कर्ट या कली वाली स्कर्ट, दोनों बनेगी। और इसकी जो डिटेलिंग आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, देखो ये नीचे की और ये बीच की, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी ऐसे स्ट्रेट से। तो मुझे ये पर्टिकुलर स्कर्ट के लिए बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अगर हैवी स्कर्ट बना लो, प्लेन शर्ट बना लो, और थोड़े से हल्के से ज्वेलरी के साथ, ये बहुत खूबसूरत
कॉम्बो लगने वाली है। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ आ गई हो। और इसमें आपको ये नहीं है कि ये प्लेन है, इसमें हर जगह आपको ऐसे शाइनी शाइनी से मिलेंगी सिक्वेंस वर्क की वजह से। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 लेयर की डिज़ाइन है, आप यहाँ से देखो। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको